स्टीम पे सेल वगैरह तो आती रहती है। कुछ हफ्ते पहले स्प्रिंग सेल आई थी जो कि इतनी खास नहीं थी, बट चिंता मत करो क्योंकि आ चुकी एक नई सेल। तो कैसे हो सभी लोग, आज मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे सस्ती गेम्स के बारे में जो तुम स्टीम सेल के अंदर खरीद सकते हो। एंड हमेशा की तरह मैं सिर्फ वही गेम्स कवर करूंगा जिन पे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हो एंड जो ना अपने लोएस्ट प्राइस पे मिल रही हो, जिससे तुम्हारे पैसे ज्यादा से ज्यादा बचे। और इस बार ना वीडियो के सेकंड हाफ में मैंने कुछ महंगी गेम्स भी कवर करी है, सो अगर बजट हो तो तुम ना उन्हें भी बाय कर सकते हो। तो सारी सस्ती गेम जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो तुम कुछ बहुत अच्छे ऑफर्स मिस कर दोगे। अब चलते अपनी गेम्स के लिस्ट पे बिना किसी देरी के। तो पहली गेम है Before Your Eyes, जो तुम्हें मिल जाएगी सिर्फ 87 रुपीस में एंड इस गेम का ऑफर है 18 अप्रैल तक। ये एक तरीके की इमोशनल फर्स्ट पर्सन एडवेंचर गेम है जो आई थी 2021 में। इस गेम में तुम स्टोरी को कंट्रोल कर सकते हो एंड ना जो तुम डिसीजन लोगे उस हिसाब से आगे की स्टोरी अनफोल्ड होगी। ये गेम डिजाइन की वजह से ना तुम फुली इमर्स कर पाओगे इस गेम की स्टोरी में एंड ना एकदम रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस तुम्हें मिल पाएगा। बिफोर योर आईज को मिले हुए 97% पॉजिटिव रिव्यूज, मतलब सभी गेमर्स को ये गेम पसंद आता है। पर ऑन दी बैड साइड ये गेम ना बड़ी छोटी है, मतलब 1 से 2 घंटे का ही सिंगल प्लेयर गेम प्ले तुम्हें खेलने को मिलेगा, बट स्टिल इसकी ना रिक्वायरमेंट्स बड़ी कम है एंड अगर तुम्हें कुछ अलग टाइप की इंडी गेम ट्राई करनी है जिसमें ना तुम्हें कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करने को मिले तो तुम ना उसके लिए इस गेम को बाय कर सकते हो। सो अब चलते अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो कि बैटमैन अर्कम कलेक्शन, जिसमें तुम्हें 3 बैटमैन की वर्ल्ड क्लास गेम्स और बैटमैन का सीजन पास मिल जाएगा सिर्फ 202 रुपीज में एंड इस गेम का ऑफर है 18 अप्रैल तक। इस बैटमैन की सीरीज की ना पहली गेम आई थी 2010 में एंड इन्हें मिले हुए 90% पॉजिटिव रिव्यूज। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि ना बैटमैन की गेम्स पुरानी होने के बावजूद आजकल की गेम्स को टक्कर दे देती है एंड ना इस गेम का एटमॉस्फेयर एंड साउंड डिजाइन इतना बढ़िया है कि ना लगता है कि सच में हम किसी बैटमैन की मूवी में है। तीनों ही गेम में तुम्हें बस सिंगल प्लेयर गेम मोड देखने को मिलेगा एंड ना रिक्वायरमेंट्स भी इनकी बहुत कम है। हर गेम में तुम्हें 30 घंटे तक का गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा, वो भी इतने कम प्राइस में। सो ना बैटमैन की गेम सच्ची में पैसा वसूल है। अगर अभी तक तुमने बैटमैन की कलेक्शन बाय नहीं करी है तो तुम्हें ना इसे पक्का से ले लेना चाहिए, तुम्हें डेफिनेटली मजा आएगा। सो अब चलते अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो कि एस्केप द बैक रूम। ये गेम तुम्हें मिल जाएगी सिर्फ 244 रुपीज में एंड इस गेम का ऑफर है 18 अप्रैल तक। 2022 में ये गेम आई थी एंड ना इसे मिले हुए 91% पॉजिटिव रिव्यूज। ये एक तरीके की हॉरर गेम है जिसमें ना तुम मल्टीप्लेयर और कोऑप में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो एंड इस गेम की ना रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी कम है। एक बारी में इसे 1 से 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं एंड इस गेम में ना तुम्हें डेंजरस एंटिटी को अवॉइड करना होगा एंड ना बैक रूम से एस्केप करना होगा। एस्केप द बैक रूम्स में ना तुम्हें फ्री कंटेंट और अपडेट्स आते रहते हैं न्यू लेवल और गेम मोड्स के साथ साथ, जो कि ना इस गेम को पैसा वसूल बनाते हैं। 7 से 8 घंटे का गेम प्ले तुम्हें इस गेम में खेलने को मिल जाएगा एंड ना वॉइस चैट भी इस गेम में अवेलेबल है। सो ना दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स है एंड ना तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अब चलते अपनी लिस्ट के नेक्स्ट गेम पे जो कि एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन, और ये गेम मिल जाएगी तुम्हें सिर्फ 399 रुपीज में एंड इस गेम का ऑफर है 16 अप्रैल तक। एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन आई थी 2014 में, बट ना स्टिल अभी भी इस गेम में तुम्हें काफी प्लेयर्स एक्टिव मिल जाएंगे एंड ना दोस्तों के साथ इसे खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इस गेम को मिले हुए 83% पॉजिटिव रिव्यूज और ये ना एक प्योरली ऑनलाइन गेम है, मतलब ना इसमें तुम्हें सिंगल प्लेयर गेम मोड देखने को नहीं मिलेगा। एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन में ना तुम बैटल कर सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो एंड ना अनलिमिटेड एक्सप्लोर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर तुमने एल्डर स्क्रॉल वाली सीरीज खेली है तो तुम्हें ना ये गेम डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि ना उसी के वर्ल्ड इस गेम में अडैप्ट किए गए हैं। कुछ टाइम पहले ना ये गेम स्टीम और एपिक दोनों पे फ्री आ रखी है, सो ना अगर तुमने मिस कर दी हो तो तुम ना इस गेम को बाय कर सकते हो। सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम पे जो कि है फॉलआउट 4 और फॉलआउट 76, और इन गेम्स का ऑफर है 19 अप्रैल तक। वैसे तो फॉलआउट की पूरी सीरीज पे डिस्काउंट आ रखा है, बट स्टिल फॉलआउट 4 और फॉलआउट 76 पे पहली बार इतना अच्छा डिस्काउंट आया है, सो तुम्हें ना इन्हें बाय करना चाहिए। फॉलआउट 4 तुम्हें मिल जाएगी 249 रुपीज में एंड फॉलआउट 76 तुम्हें मिल जाएगी 499 रुपीज में। फॉलआउट के ना बहुत सारे बंडल्स भी अवेलेबल है, सो ना अगर बजट है तो तुम ना उन्हें भी ले सकते हो। इन दोनों ही गेम्स को मिले हुए 80% पॉजिटिव रिव्यूज एंड ना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी इनकी ठीक ठाक है। फॉलआउट एक तरीके की पोस्ट एपोकलिप्स पे बेस्ड आरपीजी सीरीज है एंड ना इनमें तुम्हें 30 से 40 घंटे का गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा। फॉलआउट की सारी गेम्स ना सिंगल प्लेयर है एक्सेप्ट फॉलआउट
76 जिसमें ना ऑनलाइन कोऑप मोड भी अवेलेबल है। फॉलोआउट 76 पे ना फ्री वीकेंड का भी ऑफर आ रखा है, मतलब इस मंडे तक ना तुम इसका फ्री डेमो ट्राई कर सकते हो स्टीम पे। अगर तुम्हारे पास Amazon प्राइम गेमिंग का सब्सक्रिप्शन है तो तुम ना फॉलोआउट की बहुत सारी गेम्स वहाँ फ्री में क्लेम कर सकते हो, एंड अगर प्राइम गेमिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो तुम ना स्टीम से इसे बाय कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो कि हिटमैन वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन, एंड ये तुम्हें मिल जाएगी सिर्फ 520 रुपीज में और इस गेम का ऑफर है 15 अप्रैल तक। ये गेम आई थी 2022 में एंड इसे मिले हुए 85% पॉजिटिव रिव्यूज। हिटमैन में तुम्हें 20 घंटे से ज्यादा का सिंगल प्लेयर गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा एंड इसे मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी ट्राई किया था, सो तुम ना उसे ऊपर कॉर्नर में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। हिटमैन वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन में ना तुम्हें हिटमैन 1, 2 और 3 के बेस्ट मिशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे 20 अलग अलग लोकेशंस पे डिफरेंट मोड्स के साथ। इसका ना एक फ्री स्टार्टर पैक भी अवेलेबल है जो कि ना एक डेमो की तरह है, जिसमें ना तुम फ्री सीजनल कंटेंट और ICA ट्रेनिंग मिशन खेल सकते हो। इस गेम की बहुत सारी DLCs भी अवेलेबल है लाइक अनडाइंग पैक और ट्रिनिटी पैक, एंड ना DLC का एक बंडल भी सेल पे है, सो तुम ना प्रीमियम कंटेंट ट्राई करने के लिए उसे भी ले सकते हो। मैंने जब इसे लाइव स्ट्रीम में खेला था तो ना मुझे बड़ा मजा आया एंड ना गेम मुझे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। सो अगर एक बढ़िया सी दिमाग लगाने वाली स्टेल्थ गेम को ट्राई करना चाहते हो तो तुम ना हिटमैन को बाय कर सकते हो। सो अब चलते हैं अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो कि प्लैनेट ज़ू, एंड ये तुम्हें मिल जाएगा 537 रुपीज में एंड इसका डीलक्स एडिशन तुम्हें मिल जाएगा 660 रुपीज में। इस गेम का ऑफर है 15 अप्रैल तक एंड इसे मिले हुए 90% पॉजिटिव रिव्यूज। प्लैनेट ज़ू आई थी 2019 में एंड इसकी ना रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज्यादा है, सो इसे ना चलाने में तुम्हारे PC को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली ये एक सैंडबॉक्स सिमुलेशन गेम है जिसमें ना तुम अपना वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड बना सकते हो अलग अलग चीजें बिल्ड करके। इसमें तुम्हें 40 घंटे से ज्यादा का सिंगल प्लेयर गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा एंड ना गेम देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, सो ये गेम ना पैसा वसूल तो है। पूरी गेम ना तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है एंड ना पूरे वर्ल्ड से एनिमल इस गेम में अवेलेबल है, सो ना अगर कोई यूनिक और सुंदर मैनेजमेंट वाली गेम को ट्राई करना है तो तुम ना प्लैनेट ज़ू को बाय कर सकते हो। सो अब चलते अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो कि एमनीशिया द बंकर, और ये गेम मिल जाएगी तुम्हें 605 रुपीज में और इस गेम का ऑफर है 15 अप्रैल तक। ये आई थी 2023 में एंड इसे मिले हुए 93% पॉजिटिव रिव्यूज। एमनीशिया द बंकर ना एक टाइप की फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है एंड इसमें ना तुम्हें 5 घंटे से ज्यादा का सिंगल प्लेयर गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा। ये गेम तो बड़ी लेटेस्ट है, सोना ग्राफिक्स तो है ही कमाल के, बट ना उस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी कम है, सोना सबके PC में ये गेम आराम से चल जाएगी। एमनीशिया द बंकर में ना तुम्हें एक World War 1 के बंकर में अकेला छोड़ दिया जाएगा एंड तुम्हारे पास होगी गोली बट ना एक ही बुलेट के साथ, तो अब तुम्हें कैसे भी इस बंकर से निकलना होगा एंड अपनी जान को बचाना होगा। सो अगर एक इंटेंस हॉरर गेम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम ना एमनीशिया द बंकर को ट्राई कर सकते हो। अब चलते अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो की है पैल वर्ल्ड, और ये गेम तुम्हें मिल जाएगी 1170 रुपीज में एंड इसका ऑफर है 16 अप्रैल तक। ये गेम 2024 में आई थी एंड इसे मिले हुए 93% पॉजिटिव रिव्यूज। इसका वैसे मैंने अलग से रिव्यू भी कर रखा है, सो तुम ना उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। जब पैल वर्ल्ड रिलीज हुई थी तब तो इसकी बड़ी हाइप थी, बट ना हेलडाइवर्स 2 ने इसकी हाइप को टेक ओवर कर लिया एंड ना पैल वर्ल्ड में बग्स की वजह से बहुत लोगों ने इस गेम को खेलना छोड़ दिया, बट स्टिल तुम्हें बहुत एक्टिव प्लेयर्स इस गेम में खेलने को मिल जाएंगे एंड ना 40 घंटे से ज्यादा का गेम प्ले है इस गेम में, सो ये गेम ना पूरी पैसा वसूल है। पैल वर्ल्ड में तुम्हें क्यूट से दिखने वाले जानवर मिलेंगे जिनको ना पैल्स बोला जाता है एंड ना ये गेम उन्हीं के अराउंड बेस्ड है। गेम तो क्यूट है ही बट ना इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा लग सकती है, सो ना बेसिकली अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट जैसी एक्सप्लोरेशन वाली सर्वाइवल गेम्स पसंद है तो तुम्हें ना पैल वर्ल्ड भी पक्का पसंद आएगी एंड ना तुम इसे ट्राई कर सकते हो। सो अब चलते अपनी लिस्ट की नेक्स्ट गेम पे जो कि हॉगवर्ट्स लेगेसी, और ये तुम्हें मिल जाएगी 2000 रुपीज में एंड इस गेम पे ऑफर है 18 अप्रैल तक। हॉगवर्ट्स लेगेसी आई थी 2023 में एंड इसे मिले हुए 91% पॉजिटिव रिव्यूज। हैरी पॉटर की मूवीज तो तुम सबने देखी ही होंगी एंड उसी फैंटेसी वर्ल्ड पे ये गेम बेस्ड है। हॉगवर्ट्स लेगेसी में ना तुम्हें 26 घंटे से ज्यादा का सिंगल प्लेयर गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा, बट ये गेम ना इतनी लेटेस्ट है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी ज्यादा लग सकती है। इस गेम में तुम्हें एक इमर्सिव और ब्यूटीफुल ओपन वर्ल्ड खेलने को मिलेगा, और क्योंकि ये एक RPG गेम भी है सो तुम्हारे पास ना फुल कंट्रोल होगा एंड तुम ना आगे का एडवेंचर अपनी मर्जी से कर पाओगे। देखने में तो ये गेम बहुत ही ज्यादा कमाल की लगती है, और अगर तुम ना हैरी पॉटर के फैन हो तो तुम्हें ना गेम जरूर पसंद आएगी, सो अगर तुम्हारा इतना बजट है तो तुम ना इस गेम को बाय कर सकते हो। अब चलते अपनी लिस्ट की लास्ट गेम पे जो कि लाइज ऑफ पी, और ये तुम्हें मिल जाएगी 2590 रुपीज में एंड इस गेम पे ऑफर है 16 अप्रैल तक। लाइज ऑफ पी आई थी 2023 में एंड इसे मिले हुए 92% पॉजिटिव रिव्यूज। ये एक तरीके की सोल्स लाइक एक्शन गेम है जो बेस्ड है एक डार्क फैंटेसी दुनिया में। इस गेम में हम एक पपेट का करेक्टर प्ले करें
करेंगे जिसने एक झूठ की दुनिया में कैद कर रखा है। अब इस दुनिया में ना तुम्हें उल्टे सीधे मॉन्स्टर दिखेंगे जिन्हें ना तुम्हें मारना होगा एंड ना अपनी सच्चाई के बारे में पता लगाना होगा। इस गेम में तुम्हें 30 घंटे से ज्यादा का गेम प्ले खेलने को मिल जाएगा। और जहां तक मैंने पढ़ा है, जिनको भी सोल्स लाइक गेम पसंद आती है उन्हें ना लाइज ऑफ पी जरूर अच्छी लगेगी। सो अगर तुम्हारा इतना बजट है तो तुम ना इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो ये हो गई गेम्स की लिस्ट, पर जाने से पहले मेरी एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। सोच समझ के गेम्स खरीदना, ये नहीं कि सस्ती मिल रही है तो सब खरीद लो। मतलब बस इतनी गेम्स खरीदना कि जब तक अगली सेल ना आ जाए तब तक ना तुम्हारा काम चल जाए। वैसे अगली बड़ी सेल तो समर सेल ही होगी जो ना 27 जून को आएगी, एंड अभी 15 अप्रैल को FPS फेस्ट सेल भी आने वाली है। सो ना इन सारी सेल्स पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। सो गाइस अगर तुम्हारे पास भी कुछ खेलने को नहीं है या तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा है तो तुम ना इस सेल से एक या मैक्स टू मैक्स दो गेम्स खरीद लेना। मेरा काम था गेम्स को इंट्रोड्यूस कराना, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें गेम लेनी है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गेम मिस कर दी हो तो नीचे कमेंट्स में उसका नाम एंड प्राइस लिख देना, और तुम कौन सी गेम इस बार लेने वाले हो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। सारी गेम के जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, सो तुमने उन्हें वहां से जाके चेक कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही गेमिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें मेरे साथ गेम्स खेलनी है या डिफरेंट गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।